गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे। इसका हम लोग एक्सरसाइज 2.5 पढ़ रहे थे। इसमें 2 नंबर तक तो हो गया था, 3 नंबर से आज हम लोग देखेंगे। थ्री में है कि उपयुक्त सर्वसम्मति का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। 9x² + 6xy + y² इसका गुणनखंड हम लोग सर्वसम्मति के मदद से करेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सा सर्वसम्मति लगता है। 9x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x² + से यहां प्लस लिख दिए और स्क्वायर टर्म में क्या है, यहां पर y का स्क्वायर है। तो a² और b² मिल गए, बीच में है 2ab। तो 2 × a के प्लेस में क्या है 3x, इसको रखे × d के प्लेस पर y है y। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 6xy जो कि मेरा मिडिल टर्म मिल रहा है। अब ये आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूला का फॉर्म आ गया। बताइए कौन सा फॉर्मूला है ये, a² + 2ab + b² गुड, ये इसका हुआ a + b² 3x + y² गुणनखंड है। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 3x + y × 3x + y। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये था। इसी पे बेस्ड और है, उसको भी बना लीजिए आप लोग। वो 4 नंबर चलते हैं, x + 2y + 4z² इसका भी इसमें बोल रहा है इसका प्रसार कीजिए। क्या करना है, प्रसार करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लाना। ये था इसका, इसको था कि फैक्टराइज करना था, इसको एक्सपेंड करना। तो a + b + c² a + b + c² क्या होता है, a + b + c² = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो उसी बेस पे इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। a के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, x है। b के प्लेस पे क्या है, तो 2y है। और c के प्लेस पर हो जाए तो a² x² हो गया प्लस b² b के प्लेस पर 2 आया, इसका होल स्क्वायर कर दिए प्लस c² + 2 × ab + 2y प्लस 2bc तो 2 × 2y × 4z प्लस 2ca तो 2 × 4z × a के प्लस पे क्या है x, x² + 4y² + 16z² + 2×4xy + 2×4 4×16 16yz² + 2×4z 8z x। ये हो गया एक्सपेंडेड पावर। इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसार करना। फाइव नंबर देखते हैं क्या है, फैक्टराइज करना है
फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड माइनस सिक्सटीन एक्स जेड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर सिक्सटीन को हम लोग लिख सकते हैं फोर जेड का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं ट्वेल्व एक्स वाई है इसको हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू ए के प्लेस पे क्या है टू एक्स है और बी के प्लेस पर थ्री वाई है टू ए बी हो गया। अच्छा अब टू बी सी तो प्लस दीजिए टू इंटू बी बी के प्लेस पे क्या है थ्री वाई और इसके जगह पर फोर जेड तो हम लोग देख रहे हैं इसका साइन यहां पे चेंज हो रहा है माइनस हो रहा है यहां भी माइनस हो गया तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज नहीं हुआ लेकिन जहां जहां जेड मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर साइन क्या हो गया चेंज हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जेड क्या है नेगेटिव है तो जेड के प्लेस पर क्या है माइनस फोर जेड लिखना होगा इसको माइनस कर देते हैं और फिर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस फोर जेड प्लस टू इंटू सी इंटू ए के प्लेस पर टू एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये ट्वेल्व एक्स हो गया इसमें प्लस माइनस माइनस टू थ्री सिक्स फोर जब ट्वेंटी फोर वाई जेड ये भी हो गया यहाँ पे देखते हैं टू जब फोर और फोर फोर जब सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन एक्स जेड हो गया तो ये फॉर्मूला में आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इस तरह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो सी के प्लेस पे यहाँ क्या है माइनस फोर जेड है तो ये प्लस माइनस माइनस इसका होल स्क्वायर हो गया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड फाइव नंबर हो गया। उसके रेस्ट पार्ट आप लोग बनाइएगा हम लोग चलते हैं सिक्स नंबर पे। एक्सपेंडेड फॉर्म में सजाना इसको टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब क्या लिखना है टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब। तो आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब तो पहले देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इसी फॉर्म पे इसको एक्सपेंड करना ए के प्लेस पर हो गया टू एक्स और बी के प्लेस पर वन टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर
टू टू जब फोर टू जाए एट एक्स क्यूब हो गई ये प्लस वन प्लस टू का स्क्वायर करेंगे फोर हो जाएगा फोर थ्री जाए ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू जाए सिक्स एक्स सेवन की समथिंग लो इसका सेकंड थर्ड फोर ये सब बना लीजिए आप लोग सेवन में क्या है कि 99 का होल क्यूब 99 का होल क्यूब हम लोग सिंपली 99 into 99 into 99 भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा लेकिन इसको सर्वसमिका के मींस आइडेंटिटीज के फॉर्म में सजा के बनाना ये विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज तो 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब 99 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब तो ए माइनस बी का होल क्यूब होंगे इसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर पावर थ्री है तो टू 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 फोर और टू सिक्स सिक्स जीरो हो जाएगा माइनस वन माइनस हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो मतलब थ्री वन जब थ्री थ्री वन जब वन इंटू थ्री कर देते हैं हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो ये थ्री हो गया हंड्रेड इंटू हंड्रेड ये हुआ प्लस 300 तो इसमें प्लस वाला टर्म ये दोनों है इसको एक साथ हम ऐड कर दिए माइनस ये दोनों में माइनस है इसको 300001 इतना लिख दिया अब देखते हैं कि इसको माइनस करते हैं 10 माइनस 1 9 फिर 9 यहां हो गया 2 फिर 0 10 माइनस 3 7 यहां पर 9 रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.5 आप लोग घर से बना के लाइएगा ये आज का तुमको होमवर्क मिला और बहुत सारे आइडेंटिटीज आप लोगों को लिखा चुके हैं उसी पे बेस्ड और सब क्वेश्चन है ये आप लोग ट्राई कीजिए नहीं बनेगा तो अगले क्लास में इसको रन कर लेंगे ओके